स्टेट का कहना है कि उनके पास सफिशियंट टीका नहीं है, जिसकी वजह से 1 तारीख से होने वाला। देखिए ऐसा है कि हमने ये बात का जवाब कई बार दे चुके हैं। स्टेट्स ने 16 तारीख से लेकर आज तक जितना भी उनका परफॉर्मेंस रहा है, हम किस स्टेट को कितने टीके देते हैं ये उस पर आधारित है कि वो कितना लगा रहे हैं, टीके लगा रहे हैं। हमने तो अपनी गाइडलाइंस क्लियर कर दी, पूरी भारत सरकार देश भर के लिए टीका खुद अपने पैसे से खर्च कर खरीद रही थी, उसको सारे देश में डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। डिस्ट्रीब्यूट करने का क्राइटेरिया उनकी योग्यता और क्षमता, उसके आधार पर। आज भी जब मैंने आपसे कहा कि 15 करोड़ से ज्यादा डोजेज लग चुकी हैं, तो साथ में मैं बताना चाहता हूं कि 16 करोड़ से ज्यादा डोजेज हम स्टेट्स को दे चुके हैं, यानी 1 करोड़ से ज्यादा डोजेज स्टेट्स के पास अभी भी हैं, और कुछ लाख डोजेज ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं। जब हम पाइपलाइन में कहते हैं, उसका मतलब है कि अगले 2-3 दिन में हम डिलीवर कर देंगे, और 16 तारीख से लेकर आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं आया है जब उनकी क्षमता के हिसाब से उनको वैक्सीन ना मिला हो और हमारा किसी स्टेट के लिए पाइपलाइन में डोजेज ना हो या स्टेट्स के पास बचा हुआ ना हो। हमारे पास तो जिसे कहते हैं ना लाइव, एक तरह से रियल टाइम इन्फॉर्मेशन रहती है। अभी आप कहें, मैं अभी खोल के आपको टेलीफोन में इस समय की भी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूं। तो जैसे हमने पहले किया है, अभी 1 तारीख के बाद हमने बड़ा स्पष्ट नीति तय की है, क्योंकि स्टेट्स की डिमांड थी कि इसको लिबरलाइज करो, हमारे को भी अधिकार दो पॉलिसी को तय करने का, हमको भी जो है वैक्सीन को खरीदने का अधिकार दो, बाजार के लोगों को क्यों नहीं दे रहे हो, कॉरपोरेट को क्यों नहीं दे रहे हो। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, अब जितनी वैक्सीन देश में बनेगी हम उसका आधा 50% भारत सरकार अपने पैसे से खरीद के वो सारा का सारा भी आपको देगी, 45 साल से ऊपर के लोगों को उसी प्रकार से वैक्सीनेट करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि 45-50 साल से ऊपर के शायद 88% लोग जो बीमार हुए या जो मृत्यु का शिकार हुए वो इसी एज ग्रुप के थे। इसलिए ये प्रायोरिटी ग्रुप्स हमने कोई अपने मन से नहीं तय किए, ये नेशनल इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशंस हैं, जो हमारे WHO की रिकमेंडेशंस हैं, उनके आधार पर तय किया। और बाकी 50% के लिए हमने स्टेट्स को कहा है कि अब आप जो बाकी कैटेगरी है उसके लिए आप कंपनी से आपके लिए उपलब्ध कराई जाएगी, कॉरपोरेट सेक्टर को, प्राइवेट अस्पतालों को उपलब्ध कराई जाएगी। सब लोग मिलकर जब प्रयास करेंगे तो कोविड के खिलाफ जंग जो है वो और ज्यादा सकारात्मक होगी और ज्यादा सफल और सार्थक होगी। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।